फूड बस रेस्टोरेंट। कमलापुर नाम के गांव में रावत नाम के एक व्यक्ति को सिप्पी पप्पू नाम के दो बेटे थे। दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं जमता था। रावत के बहुत समझाने पर भी वो लोग नहीं सुनते थे, हर बात पे झगड़ा करते रहते थे। एक बार अच्छे से सोचकर रावत उन दोनों को बुलाया। उनसे रावत, देखिए मेरे पिताजी मुझे और मेरे भाई को जायदाद बांटते वक्त 1 साल मिलके व्यापार करने का शर्त लगाए थे। तुम लोग भी वैसे किए तो ही तुम्हें जायदाद दूंगा, नहीं तो पूरी जायदाद मेरे भाई को चले जाएगी, क्या कहोगे? कहा सिप्पी तब, देखो पिताजी मुझे जायदाद चाहिए, मैं उसके लिए गधे के पैर भी पकड़ूंगा। इस पप्पू का क्या है, आइडिया क्या है उसे बताने कहो, 1 साल मिलके करेंगे। कहा पप्पू तब, मुझे बहुत दिनों से बस में रेस्टोरेंट रखने की ख्वाहिश है। कहा सिप्पी, देखो सब बराबर बांटेंगे, इसलिए सिंगल बस रेस्टोरेंट नहीं डबल बस रेस्टोरेंट बस है तो बोलो, मैं व्यापार करने के लिए तैयार हूँ। कहा तो पप्पू भी मान गया। एक डबल डेकर बस खरीदकर दोनों मिलकर उसे डबल डेकर रेस्टोरेंट के जैसे तैयार किए। वो लोग व्यापार करते वक्त लड़ते थे, मगर खाने की क्वालिटी मेंटेन करने के वजह से लोग उमड़ कर आने लगे और वहां खाकर जाने लगे। ऐसे देखते ही देखते वो बस रेस्टोरेंट बहुत मशहूर हुआ। सब अच्छे से चल रहा था। एक बार रावत फूड रेस्टोरेंट के पास आकर अपने दोनों बेटों को देखा। दोनों मिलकर व्यापार तो कर रहे थे, मगर हर चीज पे झगड़ रहे थे और ऊपर से दोनों जायदाद के लिए ही नाटक कर रहे हैं कहकर उसे समझ में आ गया और वो दुखी होकर वहाँ से चला गया। हरदम के जैसे ही उनके पास गब्बर नाम का एक गोंडा आया। वो आकर पैसे वसूल करने लगा। गब्बर पप्पू के पास से पैसे लेकर, बच्चों सुना है कि लोग अच्छे से आ रहे हैं और तुम पैसे भी बहुत कमा रहे हो, फिर भी मुझे पैसे कम क्यों दे रहे हो, पैसे बढ़ाओ रे। कहा पप्पू तब, बढ़ाऊंगा क्यों नहीं बढ़ाऊंगा, बर्तन मांजने वाली ने काम बंद कर दिया है, आकर बर्तन मांज कर शाम को 800 रुपए ज्यादा लेकर जाओ, पहचानत के हो ना इसलिए 200 रुपए ज्यादा रखकर 1000 रुपए दूंगा। कहा गब्बर तब, रे इस गब्बर से ही ऐसे बात करोगे, तुम्हारी कितनी हिम्मत, अभी तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा, कहकर गब्बर पप्पू को पकड़कर मारने लगा। ये देखकर सिप्पी भागते हुए वहाँ पर आया और गब्बर को रोककर क्या हुआ है कहकर पूछा। पप्पू तब जो बीता सब बताया। ये सुनकर सिप्पी, क्या रे पप्पू तुम्हें दिमाग नहीं है क्या, वैसे भी भिखारियों को थोड़े पैसे भीख दे रहे हैं ना, इस गब्बर को भी दे देंगे, फालतू में मारपीट क्यों कर रहे हो। कहा गब्बर तब, क्यों रे तेरे भाई को मारे तो भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या, मुझे भिखारी कहोगे। कहा सिप्पी तब, रे गब्बर तुम्हें पूरी बात सुनने की आदत नहीं है क्या, आधी बात सुनकर उड़ रहे हो, देखो अभी तक मैंने भीख के बारे में ही बताया, मेरे भाई को मार के लिए क्या करूंगा ये तुमने सुना नहीं, वो ये है कि तुम्हें हम दोनों मिलकर चपाती के आटे के जैसे पीस कर दोनों तरफ से बजाएंगे, बाद में तुम्हें मेरे भाई को मारने के लिए 6 महीने तक यहीं बर्तन मांजने के लिए रख दूंगा, तुम घर में छिपे तो भी घर के अंदर घुसकर तुम्हें घसीट कर लाएंगे, समझ आया क्या। कहा ये सुनकर गब्बर डर गया। रे सिप्पी तुम दोनों हरदम झगड़ते रहते हो ना, अब बीच में क्यों आ रहे हो। कहा सिप्पी तब, हाँ हम दोनों के बीच में झगड़े हैं, ये हमारे परिवार का मामला है, बीच में कोई तुम्हारे जैसे आया तो हम धोकर रख देंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कहकर उसे पकड़कर खूब मारा। बाद में गब्बर से बर्तन भी मंजवाने लगा। ये देखकर लोग तालियां मारे। इतने में रावत वहां आकर उन दोनों को मिलते देखकर बहुत खुश हुआ। बाद में फूड बस रेस्टोरेंट बहुत मशहूर हुआ।